हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ व्रत और उपवास में जो नाश्ता बनता है उसकी रेसिपी। उसके लिए मैंने लिए हैं 4 केले। उसको मैंने 2 सीटी लगा के बॉईल कर लिया है। फिर उसमें जो मसाले हमारे पड़ेंगे वो है अक्खा धनिया। उसमें जो मसाले पड़ेंगे वो है अक्खा धनिया, जीरा, ऑयल 3 से 4 चम्मच के करीब, 1 हरी मिर्ची, करी पत्ता, सिंगदाना, सेखा हुआ सिंगदाना है उसे थोड़ा कूट लिया मोटा मोटा, और 2 चम्मच शुगर पाउडर, हरा धनिया और लेमन, और उसमें सारे जो मसाले जो पड़ेंगे वो मसाले। सबसे पहले मैं केले के छिलकों को निकाल लेना है। अब इसे फ्रेंड्स बड़े टुकड़ों में हमें कट कर लेना है थोड़ा। फ्रेंड्स मैंने अभी ये सारे केले जो थे वो काट लिए। अब एक कढ़ाई लेनी है, उसमें 3 से 4 चम्मच के करीब आपको ऑयल डालना है। ऑयल गरम हो जाए फिर उसमें हमें अक्खा धनिया, जीरा और सौंफ, ये तीनों खड़े मसाले जो है वो डाल देने। चम्मच से थोड़ा हमें हिला देना है, उसको मिक्स कर लेना अच्छे से। अब मैं इसमें 1 चम्मच हरी मिर्ची डाल दूँ। करी पत्ता, केले को टुकड़ों को डाल देना है। अब उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें एक एक करके सारे मसाले डालने हैं हमें। धनिया पाउडर 1/2 चम्मच के करीब है, हरी लाल मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक 1 चम्मच के करीब, नमक सेंधा नमक जो उपवास में खाया जाता है वही नमक हमें डालना है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें 2 चम्मच शुगर पाउडर डाल रही हूँ, और जो सिंगदाना हमने रखा था वो डालना है इस पर, सिंगदाना लास्ट में ऐड करना है, और लेमन। अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अभी ये रेडी हो गया है मेरा, बस इसमें अभी ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डाल देना है आपको। बस अभी इस स्टेज पे आपको गैस बंद कर देना। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँ। फ्रेंड्स अब आलू से जो बनाते हो उससे ज़्यादा हेल्दी होता है केले से नाश्ता जो बनाओगे आप। केले का जो रहता है वो ज़्यादा हेल्दी होता है आलू से, पोटैटो से। बहुत से लोग पोटैटो नहीं खाते हैं, उसकी जगह पे आप कच्चे केले का बना सकते हो, ये बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स खाने में। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, और कैसा बना मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए फ्रेंड्स। Thanks for watching.